हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट तंत्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2023 के दूसरे मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा पंजाब और केकेआर के बीच। दोस्तों, आईपीएल का शुरुआत हो चुका है और क्रिकेट फैंस ड्रीम 11 पर अपनी अपनी टीम बनाकर खेलना चालू कर चुके हैं। सभी यही सोचकर आए होंगे कि इस बार ऐसा टीम बनाएंगे कि 2-4 लाख रुपए तो लेकर ही आएगा, लेकिन बिना जानकारी के टीम बनाओगे तो 2-4 लाख तो छोड़ो, 2-4 रुपए भी आना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि हम लेकर आएंगे आईपीएल 2023 का सभी मैचों का पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, टीम कंपैरिजन, इंपैक्ट प्लेयर, मैच प्रिडिक्शन, ड्रीम 11 टीम, हेड टू हेड, स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग के साथ। खैर, हम बात कर रहे थे आईपीएल 2023 का दूसरे मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा पंजाब वर्सेस केकेआर के बीच 1 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदर एंड पिच रिपोर्ट की। यह मैच खेला जाएगा बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में, जो कि पंजाब की होम ग्राउंड है। बात करें पिच रिपोर्ट की तो इस पिच पर हमें हरी घास देखने को मिलती है। शुरुआती के कुछ ओवर में इस पिच पर बॉल स्विंग करती है, जिसके कारण शुरुआती तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि जैसे जैसे खेल बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है। ओवरऑल ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है और हमें एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। इस पिच का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 171 है, वहीं सेकेंड इनिंग स्कोर 170 है। इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर 240 है, जो कि सीएसके ने 2008 में पंजाब के खिलाफ बनाया था। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 67 रन है, जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स ने पंजाब के खिलाफ 2017 में बनाया था। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 30 मैच खेला गया है, जिसमें केकेआर ने 20 जीता है, वहीं पंजाब ने 10। मौसम की बात करें तो 16 से 23 डिग्री तापमान रहेगी और 50% बारिश आने की संभावना है। चलिए अब दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। पंजाब की तरफ से ओपन करते दिखेंगे शिखर धवन एंड प्रभु सिमरन सिंह। नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे लियम लिविंगस्टन। नंबर 4 पे होंगे जितेंद्र शर्मा। नंबर 5 पे शाहरुख खान। नंबर 6 पे स्वयं करण। नंबर 7 पे सिकंदर राजा। नंबर 8 पर ऋषि धवन। नंबर 9 पर ककिशोर रवाडा। नंबर 10 पर राहुल चहर। नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह। ये हो सकती है पंजाब की प्लेइंग 11। चलिए अब केकेआर के प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। केकेआर के तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते दिखेंगे। नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे नीतीश राणा। नंबर 4 पे होंगे एन जगदीशन। नंबर 5 पे होंगे आंध्र रसेल। नंबर 6 पे रिंकू सिंह। नंबर 7 पे सुनील नारायण। नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर। नंबर 9 पे उमेश यादव। नंबर 10 पे लॉकी फर्गुसन। नंबर 11 पे होंगे वरुण चक्रवर्ती। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टीम कंपैरिजन पे। देखिए, पंजाब का प्लेइंग 11 जो है ज्यादा मजबूत दिख रहा है कोलकाता के मुकाबले, और ये पिच भी पंजाब का होम ग्राउंड है, इसलिए इस मैच को पंजाब को जीतने का ज्यादा चांसेस है। अब बात कर लेते हैं इंपैक्ट प्लेयर की। दोस्तों, अगर दोनों टीमों ने 4-4 ओवरसीज प्लेयर को अपने टीम में ले रखा है तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ओवरसीज प्लेयर को नहीं खिला सकता। और किसी टीम ने 3 ही ओवरसीज प्लेयर को प्लेइंग 11 में खिलाया तो समझ लीजिए कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक किसी भी ओवरसीज प्लेयर को खिला सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पंजाब का इंपैक्ट प्लेयर हरप्रीत बराड़ होंगे और कोलकाता का अनुकूल रॉय। चलिए अब ड्रीम 11 टीम की तरफ चलते हैं। क्या है मेरी ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है मेरी हेड टू हेड एंड स्मॉल लीग की टीम, जिसमें विकेट कीपर सेक्शन से मैंने रहमानुल्लाह गुरबाज को रखा है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से शिखर धवन, नीतीश राणा एंड वेंकटेश अय्यर को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से सुनील नारायण, आंध्र सलीम लिविंगस्टन और शहम करुण को रखा है। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में ककिशोर रवाडा, लॉकी फर्गुसन और अर्शदीप सिंह को रखा है। चलिए अब ग्रैंड लीग की टीम भी देख लेते हैं। ग्रैंड लीग की टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन से रहमानुल्लाह गुरबाज को ही रखा है। इसके बाद बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन, रिंकू सिंह और शाहरुख खान को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से आंध्र रसेल, सिकंदर राजा, लियम लिविंगस्टन और शहम करुण को रखा है। वहीं बॉलिंग सेक्शन में उमेश यादव, ककिशोर रवाडा और अर्शदीप सिंह को रखा है। दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।